हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कैसे आप किसी भी प्रिंटर में ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई भी डिवाइस अगर आप नई लैपटॉप में मॉनिटर में कनेक्ट करते हैं तो कैसे उसके ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। ये काफ़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन कई लोगों को इसमें दिक्कत आ रही थी तो उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। जैसे हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कैनन का प्रिंटर है, कैनन का प्रिंटर का मॉडल है L1121E। तो इस प्रिंटर के मॉडल का हम देखेंगे कैसे आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना होगा या कोई भी ब्राउज़र है वहाँ पर आप जाइए और आपको सिंपली सर्च करना है जो प्रिंटर का या जो भी नाम है, और कैनन हो गया इसका मॉडल आप सर्च करेंगे। मॉडल आपको पीछे डिवाइस पे दिख जाएगा, जैसे ये जो डिवाइस है मेरे पास इसमें लिखा हुआ कैनन L1121E, तो ये लिखा मैंने। इसमें ड्राइवर है ड्राइवर, और ये यहाँ पर सर्च करेंगे और फिर हमारे पास ये दो तीन लिंक्स आ रहे हैं, इसमें से हम ये कैनन वाले से जा सकते हैं और ये फर्स्ट जो प्रिंटर ड्राइवर है यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पर जब हम इसमें क्लिक करेंगे कैनन ड्राइवर पे तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला तो ये है कि विंडोज़ 32 बिट में लेना है हमें कि 64 बिट, तो उसके लिए आपको अपने पीसी में जा करके देखना पड़ेगा कि विच सिस्टम यू आर यूजिंग, वेदर यू आर यूजिंग दैट 64 बिट और 32 बिट। सो इसके लिए भी तरीका है, सीधा सा आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। अगर आप जाते हैं अपने कंप्यूटर पे, माय कंप्यूटर पे, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में जा कर के देख सकते हैं, या इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये जो कंप्यूटर रन हो रहा है ये है 8 GB रैम है, इसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बेस प्रोसेसर है, तो यहाँ पर 64 बिट वाला करना पड़ेगा। विंडोज़ 10 है, अगर मैक ओएस को यूज़ कर रहा है तो उसके लिए अलग सा ड्राइवर होगा, अगर आप यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए ये ड्राइवर होगा। तो हम ये सेकेंड वाला ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, पहले से डाउनलोड करना होगा फिर इसे इंस्टॉल किया जाएगा। ये नीचे मैक का भी दिया गया, मैक के लिए ये हो जाएगा। ये जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं ये है printerdrivers.com, और यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर देंगे ये 64 बिट वाला, और ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये .exe फाइल है, तो एक बार को ये बोलता है कि दिस कैन हार्म योर कंप्यूटर, बट डोंट वरी इट विल नॉट हार्म योर कंप्यूटर। सो आप इसको डिस्कार्ड करते कीप कर सकते हैं, डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, और एक बार इसको हम चला देते नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट में यस करना है। इंस्टॉल विथ USB कनेक्शन का ऑप्शन है और मैनुअली सेट पोर्ट टू इंस्टॉल, तो अगर आपको पोर्ट देख करके लैपटॉप कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, बट USB कनेक्शन मोस्टली आजकल आता है तो आप USB कनेक्शन के थ्रू इसमें नेक्स्ट कर सकते हैं। जब इसमें नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से पूछेगा ये सेटिंग्स में, तो इसको यस कर दीजिए, और फिर इंस्टॉलेशन कैन नॉट बी स्टॉप वंस इट्स स्टार्टेड, तो इसमें भी यस कर दीजिए और ये आराम से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये दो स्टेप में है, ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो गया। ये रिस्टार्ट माई कंप्यूटर नाउ पूछेगा, बट आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, दिस इज़ नाउ गेट टू गो। यहाँ पर हमने एक ये PDF खोल ली है, अब यहाँ पर Ctrl+P या प्रिंट कमांड दे करके हम देखते हैं कि जो प्रिंटर हमने इसमें लगाया है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन सेव एज PDF दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा नीचे आएंगे ये कैनन LB2900 ये आ गया है। तो बस आपको इसमें ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आप USB कनेक्ट कर लीजिए और प्रिंटर को पावर सप्लाई दे दीजिए, उसके बाद आप इसमें प्रिंटआउट दे सकते हैं। सो यही पूरी प्रोसीजर थी। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए और एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स 2.0। साथ ही साथ MNNIT में अगर आपको व्लॉग्स या कुछ वीडियोज़ चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, थैंक यू, बाय बाय।